हम लोग ना ज़्यादा जैसे हेयर फॉल होता है, उसका टेक्सचर कम हो जाएगा, फेस में कुछ हो जाएगा, तो उस पर ना ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, उस चीज़ का स्ट्रेस हम बहुत जल्दी लेते हैं कि हाय भगवान उसके बाल तो इतने मोटे हैं, इतने थिक है यार हमारे, ऐसे क्यों है। कंपेयर करना बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो। अपने हाथ देखो, अपनी एड़ियों को देखो पैर की, कि हाथ मेरे ड्राई इतने ज़्यादा क्यों हो रहे हैं, इतने हार्ड क्यों हो रहे हैं, उसमें से स्किन भी निकलती है किसी किसी की, उसी तरह से एड़ियाँ होती है पैरों की, एड़ी अगर फटती है ना तो वो भी आपको बता रहा है कि आपके अंदर कुछ कमी हुई है। ठीक है, मेरी एड़ियाँ इतनी फटी हुई थी एक टाइम पे, मैं आपको दिखा देती हूँ अभी कितना क्लियर है। देखो आप, देखो यहाँ से पूरी मेरी एड़ियाँ फटी हुई थी, अब आप देख रहे हो बिल्कुल भी नहीं फटी हुई है। देखो सोच रहे हो कि ये क्या एड़ियों की बात कर रही है, भैया एड़ी भी हमारी बॉडी का एक हिस्सा है, ये भी हमें बताती है, जब ये फटती है ना तो हमारी बॉडी में ना आयरन यानी कि ब्लड की भी कमी होती है। ठीक है, हमारा ब्लड भी साफ नहीं रहता है, उसकी वजह से भी ये फटती है, और बॉडी में ब्लड कम होगा तो भी ये फटेगी। तो हमारी ना बॉडी की कुछ चीज़ें हमें बताती हैं कि भैया मैं अंदर से प्रॉब्लम दे रहा हूँ। अब आप सोचोगे ये तो हमेशा एक ही बात बोलती है, क्योंकि आप लोग को डीपी प्रॉब्लम है, बाहर से हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ना हमारा हेयर फॉल का, ना हमारा मेलाज्मा का, ना हमारा पिगमेंटेशन का, ना हमारा मुहासे का। तो हमारी बॉडी की कुछ कुछ चीज़ें ना हमें बताती है कि हम परेशान हो रहे हैं अंदर से, प्लीज़ मुझे ठीक कर लो। जब हमें कोल्ड होता है, जब हमारा कफ आ जाता है, तो हमें कैसा लगता है, सांस लेने में दिक्कत होती है ना, हमें पता चलता है ना अपने हिस्से में कि हमें प्रॉब्लम हो रही है बोलकर। तो उस समय हम क्या करते हैं, हम लोग स्टीम लेते हैं, डॉक्टर्स भी हमें ये बोलते हैं स्टीम लो, नमक के गर्म पानी के गरारे करो, ठीक है, अदरक वाली चाय पियो, काली मिर्च की चाय पियो, इससे आपको फ़ायदा मिलता है, और फ़ायदा मिलता है 100%। तो उसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर जो कुछ कमी होती है ना, वो आप धीरे धीरे ही ऐसी चीज़ों से ही ठीक कर सकते हो। अभी आपको पता है ना कि आपको कोल्ड में क्या लेना है, फीवर में आपको क्या लेना है, सब पता होता है ना। ऐसी हमारी बॉडी के अंदर कमी होती है जो हमें बताती है, हमारे पार्ट्स बताते हैं कि हमारी एड़ियाँ फट रही है, हमें कौन सी कमी हो रही है, हमें आंखों से कम दिखाई दे रहा है, हमें कौन सी कमी हो रही है, स्किन में प्रॉब्लम हो रही है, हमें कौन सी कमी हो रही है, हमें बाल झड़ रहा है, हमें कौन सी कमी हो रही है। तो आप मेडिसिन के ऊपर मत डिपेंड हो, प्लीज़ मेडिसिन उतनी हद तक खाओ जितनी आपको खानी चाहिए, जिससे आप स्वस्थ और तंदुरुस्त हमेशा बने रहोगे। और प्लीज़ ज़्यादा स्ट्रेस मत लिया करो भैया, सभी की लाइफ में स्ट्रेस है, इतने सीरियस लोग हैं ना कुछ लोग, मैं क्या बताऊं भाई, इतना सीरियस कभी नहीं होना लाइफ में, क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी है, बहुत आगे तक जाना है। ठीक है, तो ये बात भी सोचने की है। खुश रहिए, हेल्दी रहिए, अच्छा खाइए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।